Recipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को रसमलाई बनाने की विधि बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए, हम लिए हैं यहाँ 1 किलो फुल क्रीम दूध है। इसको गैस पे हम उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं, उबल चुका है। अब छेना फाड़ने के लिए हम इसमें डालेंगे विनेगर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी मिठाई के दुकान से छेना का पानी भी लाएंगी तो उसे फट जाता है, या नींबू से फाड़ लीजिए। तो इसमें हम गैस को बंद कर दिए हैं और ये थोड़ा दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। तो इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा, जब तक दूध अच्छे से फट ना जाए तब तक हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे करके। हमें अच्छे से दूध को फाड़ लेना है। यहाँ हम 4 चम्मच विनेगर डाले हैं। अब ये दूध फट गया है। अभी तो देखिए, पनीर को हम एक कपड़े में छान लिए हैं। इसको थोड़ा पानी निकलने के लिए हम इस तरह से बांध के और कहीं भारी इस पर कुछ रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निचुड़ जाए। तो देखिए, छेना को हम साफ पानी से 2-3 बार धो भी लिए थे। अब ये बिल्कुल इसका जो है ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसको किसी बड़े बर्तन में ले लेंगे और इसको थोड़ा हाथ से इस तरह मैक्स करते हुए इसको तोड़ लेंगे और इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, या इसके जगह पे आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हम यहाँ 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। अब 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा डाल के हम इसको अच्छे से गूंद रहे। इस तरह से आपको हथेलियों से इसको मसलना है, बिल्कुल चिकना बना लेना है ताकि जब ये चाशनी में जाए तो फटे नहीं। और इसी तरह इसको अच्छे से कुछ देर, जब तक से ये एकदम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा तब तक आपको मलना है। और हम देख लेते हैं अभी हमें। तो देखिए, हम यहाँ चाशनी के लिए चीनी चढ़ा दिए गैस पे। ये 400 ग्राम चीनी है। इसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे और इसका हमें घोल तैयार करना है। 1 तार की चाशनी चाहिए हमें, बिल्कुल गाढ़ा नहीं चाहिए। ये इसमें उबाल लाना है। और इधर हम 1/2 लीटर दूध भी रख दिए हैं, चढ़ा दिए हैं रसमलाई के लिए। जो ये इसको देखिए गाढ़ा करना है। हम इसमें 500 ग्राम ये दूध था, इसको हम 1/2 सुखा लेंगे, दूध को गाढ़ा कर लेंगे बिल्कुल। और ये उबल रहा है। तो देखिए, हम यहाँ केसर रखे हैं, इसमें थोड़ा सा दूध डाल के, और इसको हम थोड़ा कलर इसका आ जाएगा, केसर का फ्लेवर भी आएगा। तो हम इसमें केसर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे दरदरक को हम कूट लिए हैं बारीक, इलायची और ड्राई फ्रूट रखे हैं हम यहाँ। ये काजू, बादाम और पिस्ता है, इसको भी इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा बचा लिए हैं गार्निश करने के लिए। ये हम 2 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे और फिर थोड़ा सा हम इसको उबाल लेंगे दूध को। ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, 500 ग्राम ये लगभग ये 1/2 हो गया है। तो देखिए, हम इस तरह से जो है छेने को बना लिए हैं। आप इसी तरह से बनाइए। अगर थोड़ा ये फटे, सही से नहीं बने, तो आप इसमें और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या इसमें मैदा मिला सकती हैं 1 चम्मच। तो इस तरह का आप बना लीजिए। अब चीनी का जो हम चाशनी तैयार किए हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए, चीनी का चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसमें हम छोटा सा पहले एक देख लिए हैं, ये टूट नहीं रहा है। तो हम सभी रसगुल्ले को इसमें डाल देंगे एक एक करके। आप इसको हाई फ्लेम पे ही रखिए और एक एक करके इसको हम इसमें डाल देंगे। और 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि हमारा जो रसगुल्ला है अच्छे से बन जाए। तो देखिए, 15 मिनट के लिए हम इसको कवर कर दिए थे। अब हम इसको गैस को बंद कर दिए हैं। देखिए कितना अच्छा से जो है रसगुल्ला बन गया है। अब इसको हम जो दूध का जो ये बनाए हैं ग्रेवी, इसमें डाल देंगे। ये भी गर्म है थोड़ा, तो इसमें हम सारे को एक एक करके दूध में डाल।
तो देखिए हम चाशनी को निकाल के दूध में एक एक करके डाल दिए हैं। इसको हम, ये अभी बहुत गर्म है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर प्लेट में हम सर्व करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मार्केट से भी अच्छा बना है, क्योंकि हम हर चीज़ जो है ओरिजिनल और अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा जो है अब रसमलाई ठंडा हो गया है, अब हम इसको प्लेट में सर्व किए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल बीआई रेसिपी सीमा तिवारी है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।